नमस्कार दोस्तों, आपकी खबर एंटरटेनमेंट जगत से ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से। आईएमडीबी रेटेड हैं ये 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर और गैंगस्टर आधारित वेब सीरीज, सभी को मिली है 8 से ऊपर रेटिंग। ओटीटी पर कई ऐसी वेब सीरीज हैं जो क्राइम थ्रिलर से भरपूर हैं। इन वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। अगर आपको भी क्राइम थ्रिलर और गैंगस्टरों पर बनी वेब सीरीज देखना पसंद है तो ओटीटी पर ऐसी कई सीरीज हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। इन वेब सीरीज में कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से जान डाल दी है। आज हम आपको आईएमडीबी रेटेड बेस्ट वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें 8 से ज्यादा रेटिंग मिली है। इसमें पहले नंबर पर मनोज बाजपेयी स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन है, जिसे आईएमडीबी से 8.7 की रेटिंग मिली है। मिर्जापुर, चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर को आईएमडीबी ने 8.5 रेटिंग दी है। इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सेक्रेड गेम्स, सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स को भी 8.5 की रेटिंग मिली है। दिल्ली क्राइम, 2012 के निर्भया केस पर बनी दिल्ली क्राइम की सीरीज को 8.5 रेट मिला है। ब्रीफ, इस वेब सीरीज को आईएमडीबी ने 8.3 की रेटिंग दी है। अभय, कुणाल खेमू की इस वेब सीरीज को 8.1 की रेटिंग मिली है। क्रिमिनल जस्टिस, इस वेब सीरीज को भी 8.1 की रेटिंग दी गई है, यह लोगों को काफी पसंद भी आई है। रंगबाज में गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है, इस कहानी को 8.1 की रेटिंग के साथ अच्छा रिस्पांस मिला था। पाताल लोक में भी दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रही थी, इस सीरीज को 8 की रेटिंग दी गई है। तो आप इन वेब सीरीज का आनंद उठाकर अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। धन्यवाद।